Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel online learning. This video is related to breaking news. Cognizant finally started mass hiring for 2023 batch. This is one of the biggest hiring for 2023 batch, and it is a super superset official hiring. Okay. So in this video, we will discuss about step-by-step -step registration process, and this is for engineer trainee role, salary is 4 LPA. If you are from BE, Tech courses, and if you are from any branch like civil, mechanical, CS, IT, electronics, and other branches, you are eligible for this opportunity. This is a superset official off campus hiring, and the test is in the upcoming days. Okay. There is an online test after that, there is an interview. And one of the most important point superset hirings are always official as well as मेनी ऑफ द कंपनीज आर पोस्टिंग ऑन द सुपरसेट प्लेटफॉर्म सो ये सारी वीडियो के लिए ही है and I want support from all of you. आपका एक लाइक भी मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊ एंड आप सभी को अपडेट दो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा लेट्स स्टार्ट दीडियो एज वी ऑल ऑफ यू नो दैट लाइक कॉग्निजेंट ने एक साल पहले ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट की थी मैंने 8 अक्टूबर 22 को एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें की की थी प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल सो बेंगलुरु चेन्नई कोलकाता लास्ट डेट इज फिफ्थ जनवरी द सैलरी इज फोर LPA एंड एनी बीई बी टेक ओके अंडर ग्रेजुएट फुल टाइम डिग्री कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी So, IT service desk is a centralized team that provide technical supports to our clients. So, basically, the role is engineer training, but it is related to the IT service desk. Okay. It is not related to the Gen C or programmer analyst trainee. Okay. So, this is one of the most important point. Okay. Bangalore, Chennai, Kolkata candidate must be flexible to reallocate to any location as per the business requirement and demand. 23 batch of be tech of any branch okay if you are from any branch undergraduate full-time degree you can apply there is no 60 percentage criteria only 50 percentage criteria is this it is open to indian nationals only and one of the most important point if pen card is already available ensure you have both first name and last name updated in the pen card if you do not have your last name in the pen card kindly get it updated

पैकेज मिलने वाला है आपका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं होगा लाइक यू विल ज्वाइन एज अ फ्रेशर एज नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड ओके सो यहाँ पर आप जैसे ही इस प्रोफाइल के मेन पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये आई सर्विस डेस्क की हायरिंग है बट फोर एलपीज दैकेज लाइक इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिसमेन सो यू कैन अपलाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी हाउ टू फिल द फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाय नाउ एंड ऑन द सुपर सेट यू हैव टू जस्ट ओपन यूर प्रोफाइल ऑन द सुपर सेट ओके सुपर सेट में सबसे पहले आपका रेज्यू में पूछ रहे हैं यहाँ पर आपको पूछ रहे कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं एंड पैन कार्ड जो सारी चीजें हैं वो जैसे कि अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट मार्क्सिट की और आपकी सारी सेमिस्टर की मार्कशीट डू यू हैव अ पैन कार्ड आपका नाम क्या है पैन कार्ड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्क्लेमर यहाँ पर द नेम वाइल गिविंग रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड फाइनल आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहां से पता चला एंड आपकी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि अदर हो कॉलेज ईमेल आईडी से ओके ठीक है फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम मेंशन करना है नेशनलिटी आप इंडिया में रह रहे हैं आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है आउटसाइड इंडिया सो यू हैव टू सिलेक्ट नो इफ यू आर लाइक करंटली स्टडी इन इंडिया और इफ़ यू कंप्लीटेड योर डिग्री इन इंडिया हैव यू कम्पलीटेड फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री ओके गैप सिलेक्ट करना है वर्क लोकेशन शिफ्ट टाइमिंग्स के लिए एनी टेक्नोलॉजी के लिए फ्लेक्सिबल है लोकेशन चूज करनी है क्या आप इम्प्लॉय हुए थे कॉग्निजेंट के साथ पहले इसी के साथ साथ आपको करनी है कि आप ये आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है और ये इंजीनियर ट्रेनिंग ग्रेड का सर्विस डेस्क रोल है ओके okay? आपके पास पासपोर्ट है अगर है तो कौन सा पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट है या फॉरेन सो आई हैव अ इंडियन पासपोर्ट देन आई चूज द इंडियन पासपोर्ट अगर फॉरेन पासपोर्ट है तो कौन सी नेशनैलिटी का है ठीक है तो अगर आपके पास कोई भी फॉरेन पासपोर्ट नहीं है सो यू हैव टू जस्ट मेंशन नॉट एप्लीकेबल अगर फॉरेन पासपोर्ट है तो आपके पास ओसीआई पीआईओ है अगर फॉरन नेशनल इंश्योर दैट यू हैव अ वैलिड वर्क वीजा तो ये एप्लीकेबल ही नहीं करेगा इंडियन कैंडिडेट्स के लिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप फिजिकली चैलेंज और इम्पेयर नॉट एप्लीकेबल करना है उसके बाद ये स्कोर्स अपलोडेड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें एक्यूरेट होना चाहिए नहीं तो प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी वी रिक्वेस्ट टू यू टू एक्नोलेज दैट कि आपने जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर ग्निजेंट के साथ शेयर की है वो उनके रिकॉर्ड्स में रहेगी और काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताया कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी वुड यू रिक्वायर्ड टू वर्क फ्रॉम कॉग्निजेंट ऑफिस तो ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने डिसेबिलिटी में यस yes किया है ओके सो अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर कुछ भी चूज नहीं करना है सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन एंड देखिए कुछ इस टाइप से ये डिस्क्लेमर पेज आएगा आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है और जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द जॉब ओपनिंग थोड़ी देर में आपको एक मेल भी आ जाएगा सुपर साइड से कि आपने यहाँ पर अप्लाई किया है ठीक है हम एक बार मेल भी चेक ही कर लेते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से मतलब कॉग्निजेंट uh, टीम ने मेल भेजा है सो so, यहाँ पर हमें सारी चीजें पता चल जाएगी कि कॉग्निजेंट टीम ने हमें अभी तक कोई मेल भेजा है ओके okay, सो so, हमें यहाँ पर आ गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड कॉग्निजेंट डिजिटल वर्क स्पेस इंजीनियर ट्रेनिंग ट्वेंटी Okay, so this is related to the complete opportunity in which you have to fill all of your details. I hope this video is useful for everyone. If you have any kind of doubt, let me know that in the comment section. Thanks for watching the video.